हेलो गाइस, रिएक्टिव इंसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सिराज। तो भाई कर्म का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है भाई। इसका टीजर का रिएक्शन मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, पर भाई किस्मत ही खराब है, वो गलती से मेरा डिलीट ही हो गया वो वाला जो टीजर का रिएक्शन हमने किया था। तो फिर वापस से रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर आएगा नहीं रिएक्शन। तो मैंने सोचा ठीक है, ट्रेलर का डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, अभी क्या है छोड़ो। बाकी भाई इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी टीजर में तो इतना कुछ समझ में नहीं आया था, पर इतना मेरे को लगा था कि बाकी ट्रेलर के बाद मैं बताता हूँ क्या लगा था क्या नहीं। भाई करते रिएक्शन, तो फिर चालू करते हैं भाई लोग। भाई इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लिटरली, बताता हूँ क्यों। रिएक्शन करते हैं, 3 2 1 लेट्स गो। यूज ईयरफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भाई होम थिएटर है भाई, ईयरफोन क्यों चाहिए। भाई ट्रेलर देख के मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि स्टार्टिंग से जितना दिखाया है कि वो एक पुलिस वाले हैं और इनकाउंटर करते हैं, मतलब जो भी इनको केस वेस मिलता है वो डायरेक्ट, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, डायरेक्ट ठोकते हैं। तो ठोक के ये शायद वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के नीचे गाड़ देते हैं। फिर एक दूसरा वो जो एक्टर एक्ट्रेस है उनका स्टोरी कुछ दिखाया देता है, जिसका मतलब जो कब्रिस्तान में एक जो बुड्ढा रहता है वो आके बोलता है कि भाई कौन हो आप। फिर लास्ट में कुछ रहस्य ऐसा रहता है जो कि अनुभव महंत को पता चल जाता है, मेरे को इतना लग रहा है, क्योंकि लास्ट में जिस तरह से वो हंस रहा है वो भी नीचे देख के। और लेकिन मूवी का नाम कर्म क्यों है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद अंदर ही कुछ रहस्य होगा, तो शायद घूम फिर के उसी के पास ही कुछ आएगा जितना भी वो इनकाउंटर किया है या क्या। बाकी मेरे को तो इतना ही लगा थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आया। बाकी आप सबको कैसा लगा भाई आप तो कमेंट में लिखो। बाकी मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई मूवी को डायरेक्ट किया अनुपम पटनायक ने, जिसको भाई पिछला मूवी प्रतीक्षा के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है, और भाई इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी और ट्रेलर भी इंटरेस्टिंग ही लग रहा है, बाकी गाने वाने डाल दे रहे हैं, थोड़ा चुम्मा चट्टी डाल दे रहे हैं, ठीक है वो चलता है भाई, अभी इतना नहीं है ठीक है। क्योंकि ओडिशा में ये सब चलता है, थोड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि स्टार को भी एंजॉय करना जरूरत है ना। तो अनुभव महंत कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं, ओडिशा के बिगेस्ट स्टार में से एक है, ठीक है तो चलता है, ये सब चलता है। बाकी थोड़ा गाने वाने एक दो रखते तो चलता है, ज्यादा गाने रखोगे तो उसका लेंथ ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो आप सबको कैसा लगा भाई प्लीज मेरे को, मेरा ओपिनियन है, मैं एक्साइटेड हूँ, बाकी देखने के बाद पता चलेगा। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो भाई
कमेंट करो कि हाँ मेरे को रिव्यू चाहिए, सबको रिव्यू चाहिए। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला वीडियो में तो मैं बिल्कुल रिव्यू करूंगा भाई, आप टेंशन मत लो, ठीक है? जाके देखूंगा, रिव्यू करूंगा, फिर इसके अगले दिन भी बेटे अभी रिलीज होने वाला है तो उसका भी चाहिए तो बता देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।